तो यार आप चेक कर सकते हो कि यार बाइक की कंडीशन, तो वो यार बड़ा मतलब कि मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि यार बाइक पूरी ओपन करवा चुका था, जिसकी वजह से यार फॉल्ट ही नहीं पता चल रहा था। तो भाई ये किसी और शॉप पे लगाई है बाइक, तो यहाँ 2 दिन की मेरी बाइक लगी हुई थी, तो इनको भैया को फॉल्ट नहीं मिला इस चीज़ का, तो भाई लोड के लेने जा रहा था। बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और भाई बड़ा परेशान हूँ, और क्या बताऊँ आपको, क्या वीडियो शूट करूँ, क्या ब्लॉगिंग करूँ। भाई बाइक कंडम हो चुकी है, ठीक है, तो मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी बाइक में, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही लोकल किसी मैकेनिक से ना ठीक करवा लूँगा, बट यार यहाँ के मैकेनिक से बाइक नहीं हुई ठीक, जो बहुत बुरी बात है। मतलब कि बुरी क्या बात है यार, हर उस बंदे को मैंने 2 दिन से बाइक दी थी, तो उस बंदे ने बोला कि भाई ये मेरे पास की बात नहीं है, तो ये शायद कंपनी से होगी ठीक। तो भाई बैटरी भी नहीं डलवाई, ठीक है, फ्यूल पम्प का इशू लग रहा था, वो भी चेंज करवाया, बट लेकिन बाइक रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है। तो भाई अभी KTM की कंपनी या भाई कोई प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे और वहाँ बाइक लगाएंगे, तो भाई देखेंगे, अगर बाइक ठीक हुई तो भाई आपका कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेगा। तो भाई अभी बाइक को लेके जाना था, बट लेके कैसे जाएं वो बड़ी मुश्किल हो रही थी हमारे लिए। तो भाई एक लोड कैरियर मिला हमें बख्शी नगर में, तो उनको कॉल किया, तो वो अभी आ रहे हैं, तो भाई बाइक वहाँ से उठाएँगे, ऑटो में डालेंगे, और ऑटो में डाल के भाई लेके जाएंगे नरवाल वाली साइड। तो भाई सपोर्ट करो भाई को यार, मतलब सोचो यार अब बाइक नहीं है तो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई वीडियोस नहीं आ रही है, तो है ना काफ़ी बुरा फील हो रहा है यार, है ना। तो अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ मतलब दिखा नहीं पा रहा हूँ, एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट भाई बहुत जल्दी वापस आऊँगा भाई, व्लॉगिंग करूँगा, तो भाई अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँगा, तो भाई सपोर्ट करना भाई। चेक करो गाइस, हाँ मेरे पास है चाबी, गाइस चेक कर सकते हो गाइस, आपकी भाई की बाइक ना ऑटो में जा रही है, तो मिलते हैं भाई आपको आगे, बड़ा दुख हो रहा है यार बाइक को जाते हुए। हाँ गाइस फाइनली, मतलब कि बाइक ना उम्मीद नहीं थी मुझे कि स्टार्ट होगी भाई, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है मेरी बाइक। कुछ लोगों ने बस मेरे को वहम डाला था कि फ्यूल पंप वगैरह का सीन है ये वो, भाई ऐसा कोई सीन नहीं था। आनंद भाई ने भाई अंदर से ना, अंदर से जो बीमारी होती है ना, कैंसर था ना भाई, कैंसर का इलाज किया भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। और भाई ऑटो में लाई थी भाई, चला के घर लेके जाऊँगा भाई, इससे खुशी की चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती भाई, मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि यार आपकी मॉन्स्टर ठीक हो चुकी है। तो मैं ना बड़ा ज़्यादा खुश हूँ कि भाई आनंद भाई, भाई जम्मू में भाई कहता हूँ मरा हुआ ना, मरा हुआ इंसान को कोई ठीक कर सकता ना, तो वो आनंद भाई है। मेरे कहने का मतलब ख़त्म बाइक भी होगी ना भाई, उसको भी ज़िंदा कर देंगे। मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि फाइनली बाइक ठीक हो चुकी है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूँगा, तो अगर किसी की भी बाइक को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई आगे पीछे मत जाओ, यहाँ पे आओ और अपनी बाइक अच्छे से ठीक करवाओ, और यहाँ से भाई खुशी खुशी घर जाओ। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो हो सके तो भाई सपोर्ट करना भाई को। तो गाइस फाइनली बाइक ठीक करवा के आ चुका हूँ घर, तो भाई आज पूरा दिन बाइक ठीक करवाने में निकल चुका था। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, बाइक तो 6 दिन की मतलब कि मैंने पहले के किसी और को ठीक करवाने के लिए दी हुई थी, तो भाई उसको ना फॉल्ट नहीं पता चला बाइक में, क्या फॉल्ट है, क्या है क्या नहीं। तो भाई फिर उसके बाद ना आपके सामने यार बाइक कैरी करके यार कंपनी में लेके गया, और कंपनी में यार सीन कुछ ऐसा था, कंपनी वाले बोलते कि 6 दिन के लिए बाइक छोड़ के चले जाओ। तो भाई पहले भी ऑलरेडी इतने दिन मैंने बाइक कहीं और लगाई हुई थी, जहाँ पे वो ठीक करवाने मैंने दी हुई थी, तो भाई फिर कंपनी वाले जगह से भी मैंने बाइक कैरी करके भाई लेके गया बाइक भाई आनंद भाई के पास। तो भाई क्या बंदा है वो यार, भाई उसको सल्यूट है बंदे को कि बंदे ने यार इतना अच्छा काम किया। तो भाई अगर KTM के रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बाइक में कोई फॉल्ट हो जो उसको नहीं पता चल रहा है, तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई आप आर्मी गेट के पास वे मॉल के आगे आनंद भाई की शॉप पे जाओ, तो भाई वहाँ पे जाके भाई अपनी बाइक को अच्छे से ठीक करवाओ। भाई वो बंदा सिर्फ KTM का काम करता, और भाई उस बंदे को सल्यूट है बंदे ने यार, नहीं यार कुछ नहीं बोलता, ये क्या बोलूँ यार भाई, भाई ऐसे बजट में वो काम करके दे रहा है ना जम्मू में, ऐसे बजट में कोई काम भी नहीं करके देगा भाई। तो भाई आज का ब्लॉग इतना ही करूँगा, फिर आज बाइक ठीक हो गई तो काफ़ी यार खुशी हो रही है, और
कल से भाई अच्छी अच्छी कंटेंट और अच्छी अच्छी वीडियोस है ना, मतलब कुछ भी है यार, इंटरटेन करूंगा यार अपने चैनल पे। और जो नए हैं भाई सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट व्लॉग में।